अगर राजकोष का धन दुगुना होगा तो उससे गरीब जनता का ही तो भला होगा। दुगनी की हुई रकम से हम अपनी आवाम के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। आपका कथन ठीक है जहांपनाह, मगर आपके धन को दुगुना करने से पहले हम आपके महल में फैली हुई सकारात्मक ऊर्जा का मुआयना करेंगे। हुजूर, अब आगे क्या करेंगे? अब हम दूसरी साजिश का तीर चलाएंगे। एक दिन में केवल 10,000 मोहरों को ही दुगना कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इतना सारा खजाना बेकार पड़ा है। दिखने में दोनों एक जैसे, पर फर्क पड़ा है। अभी अभी खबर मिली है कि कल रात महाराज ने 10,000 मुद्राओं को 20,000 में बदला था, उसमें 5,000 मुद्राएं कम है। तू इसे घर पर भूल आया, इसलिए मैं दरबार ले आई हूँ। माताश्री, क्या हम देख सकते हैं? ये देखिए जहांपनाह, ये हमारे राजकोष की मुद्राएं हैं। हो न हो, यही वही मुद्राएं हैं जो हमारे राजकोष से चोरी हुई। जहांपनाह, अब आप ही फैसला कीजिए कि राजा बीरबल के साथ क्या किया जाए। वही जो किसी भी चोर के साथ किया जाए। इस घिनौने काम के लिए बीरबल को निष्कासित कर दिया जाए। क्षमा करे जहांपनाह, राजा बीरबल को दंडित करके ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि मुगलिया कानून सबके लिए एक है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं जहांपनाह, लेकिन बीरबल जी की एक बार सफाई सुन ले तो। सफाई तो इन्होंने पहले से ही कर दी है, वो भी राजकोष की। इनके जुर्म के चश्मदीद गवाह खुद इनकी माताश्री है, जिन्होंने अभी अभी राजा बीरबल के खिलाफ गवाही दी है। अब इससे आगे कहने सुनने को रही क्या जाता है? पर बीरबल जी ऐसा क्यों करेंगे? एक बार उनकी बात तो। एक दफा हो या लाख दफा, सच तो सच ही रहता है। और एक सच तो ये भी है कि आपका ज्ञान का तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ जितने भी दरबारी हैं उनके अनुभव के आगे आप बहुत छोटी हैं। ऊपर से और साथ आप अपनी सीमा में ही रहें तो बेहतर होगा। हम इस बात से गमगीन नहीं है कि हमारे महल में चोरी हुई, लेकिन गम इस बात का है कि ये चोरी आपने की है बीरबल। अरे अगर आपको धन की जरूरत थी तो एक बार हमसे कहकर देख लेते। हम बीरबल को अपने महल से निष्कासित करते हैं। और हुक्म देते हैं कि आज के बाद बीरबल हमारे महल के आसपास भी ना दिखाई दें। लेकिन जहांपनाह, जाइए बीरबल, आप जा सकते हैं। जो आज्ञा जहांपनाह। माँ, अब आप क्या सोच रही? सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। माँ, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। पर एक बात बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपने हमें वो थैला घर के अंदर लाते हुए देखा? मेरा यकीन कर, कल रात को मैंने तुम्हें ही वो थैला इस घर में लाते हुए देखा था, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ, ये क्या लेकर आया? अरे माँ, ये बहुत ही जरूरी सरकारी सामान है और इसे कल किसी भी हालत में महल ले जाना है। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम है ना, हम कुछ ना कुछ सोच ले। अभी तो बहुत तेज भूख लगी है, हमारे लिए कुछ। चली 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 चली। हाँ हाँ, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हम बस ये कहना चाहते थे कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।
मानो जी आपको इस तरह हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। अगर बलदेव जी को पता चला तो खामखा आपको परेशान करेंगे। सच कहें तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बीरबल जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम आपका और रियासत का इस मुश्किल घड़ी में पूरा पूरा साथ देंगे। ठीक है बानू जी, आप महल के अंदर रहकर तहकीकात कीजिए और हम महल के बाहर तहकीकात करते हैं। एक बात और, अगली बार हम हमारे घर पे नहीं बाजार में मिलेंगे। हम नहीं चाहते बानू जी के हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे। अरे हम अपने परेशानी में आपका स्वागत करना भूल ही गए। हम अभी आपके लिए जलपान। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चलते हैं। अरे आदाब महेश, इधर। कौन थी ये? अरे माँ, हमने आपसे बताया था ना कि महल में एक नई सियासती सलाहकार नियुक्त हुई, ये वही थी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत है। वैसे क्या नाम है? शायला बानो जी। शायला बानो, वैसे एक बात बता, इसकी शादी हुई कि नहीं? माँ आप भी ना, आप भी ना। अरे मैंने ऐसा क्या पूछा? हाँ, मैं बस इतना ही तो पूछ रही हूँ ना कि उसकी शादी हुई कि नहीं हुई। हाँ। माँ आपकी ये जो प्यारी सी मुस्कान है ये हम भली भांति समझते हैं, शादी हुई कि नहीं। हाँ। झांपना, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम एक वास्तुकार हैं, तो हमने अपनी दृष्टि से इस महल का पूर्ण निरीक्षण किया है। ये देखिए, इस महल के इर्द गिर्द और अंदर सुरक्षा के उम्दा इंतजाम आते हैं। शुक्रिया जी। बस एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी? सोचिए, अगर किसी हमले के समय इनमें से एक भी घेरा टूट जाता है और आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो आप अपनी रानी साहिबा और खजाने के साथ सुरक्षित बाहर कैसे निकलेंगे? इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो आप सोच लीजिए। जहां पर एक तरीका है, अगर हम आपके कक्ष से राजकोष तक एक सुरंग खोद देते हैं और दूसरी सुरंग राजकोष से किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान तक ले जाते हैं, तो ऐसे कठिन परिस्थिति में वो आपके बहुत काम आएगा। बात तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो कीजिए सुरंग का काम शुरू कीजिए। जी जहां पर, तो पहले हम सुरंग खोदने का कार्य करते हैं। मुद्राएं दुगनी करने का कार्य हम बाद में करेंगे, क्योंकि जान है तो जान है। लेकिन ये सुरंग खोदने की बात आप किसी से कहिएगा मत। हमने सुनी ही नहीं। जी हमने सुनी ही नहीं, तो हम किसी से कहेंगे कैसे? जहां पना की जय हो, जहां पना की जय हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी सुरंग वाली बातें सुन रहे थे। आप लोग चाहते क्या? यही कि आप ऐसी सुरंग हमारे कमरे से भी निकाले, ताकि हम रात में बिना रोक टोक के आराम से मेले में जाए, वहां घूमे फिरे और वापस आ जाए। और सलीम आशा, वहां जाकर चाट और कुल्फी भी खाएंगे। और अगर हमने सुरंग नहीं बनाई तो क्या? तो फिर मेरी अकल कहती है कि हम सबको बता देंगे कि महल में सुरंग नहीं, बताना है, बना देंगे। आप लोग जाइए। सलीम भाई साहब, हम मेले में जाकर कठपुतली का नाच भी देखेंगे। Thank you.
बीरबल जी, गेहूं ले लो, दाल चावल लहसुन और कुछ? गेहूं ले लो। प्रणाम प्रणाम। बीरबल जी, ये मुजरा यहाँ क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुजरा नहीं, वो खैर क्या खबर है? जी महल में सब कुछ ठीक है, बस कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कैसी आवाज? मानिए जैसे कोई खुदाई हो रही है। खुदाई? बीरबल जी, क्या हुआ, आप कहाँ सो गए? नहीं कुछ नहीं बानो जी, ये मुजरा देखिए, अजीब सी चमक है, देखिए। चमक कहाँ है? चमक इसे दिए की रोशनी में देखी, ये चमकेगी। इसकी जांच कराई और किसी को संदेह ना। जी उसके बाद ना तो आपकी बादशाहत दूर और ना ही जीत और ना ही हिंदुस्तान के बादशाह का असली ताज। कल नहीं तो आज हिंदुस्तान पे हमारा राज। अरे आपने बिल्कुल सही फरमाया था, इस मुद्रा में खोट है। ये देखिए जांच के दस्तावेज। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। तो बानो जी सुनिए कि आगे क्या करना है।
बांसुरी? वल नहीं तो आज हिंदुस्तान से तुरंत राज। सिपाहियों! जहां पना ये हमारी गिरफ्त से भाग नहीं पाएंगे। अरे इन्हें नहीं, सुरसुरी को पकड़िए, उस सुरंग से भाग रहा है। आओ जल्दी। बीरबल जरा आप ये नकाब भी उतारिए, हम भी तो देखें कि तुर्रम खां का साथ देकर ये हिमाकत की किसने। नकाब उतारने की क्या जरूरत है जापन? बिना नकाब उतारे भी हम बता सकते हैं कि ये निरंजन है। निरंजन आप? जापन, सुरसुरी का हमने सुरंग के दूसरी ओर तक पीछा किया, किंतु अचानक कहीं गायब हो गया वो। निरंजन महाराज आप? बलदेव जी, ये कोई महाराज नहीं है, ये तुर्रम खान के साथी हैं जो जापना की जान लेने के लिए महल में आए थे। लेकिन हम सभी ने तो इन्हें खुद राजा दरबान की मुद्रा को दुगुना करते हुए देखा है। हाथ की सफाई थी बलदेव जी। और फिर इन्होंने एक गली के जादूगर की तरह रसायन का उपयोग करके धुआं उत्पन्न किया और हम सबको भ्रमित कर दिया। लेकिन वो राजकोष की 10,000 मुद्राएं जो दुगनी की गई, वो शैलावा, वो मुद्राएं तो निरंजन पूजा के सामान के साथ ही रखकर लेकर आए थे। हमने कोशिश की जांच करने की, लेकिन ये देखिए, ये पीतल की है और इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये मुद्राएं नकली हैं। ये तो पीतल है, लेकिन जहां बना राजा बीरबल के घर से जो मुद्राएं बरामद हुई उसका क्या? भले जी, अब इस बात का जवाब तो निरंजन ही दे सकता है। बताइए निरंजन। जहां बना वो मुद्राओं की बोरी तुर्रम ने बीरबल का भेष बदलकर बीरबल के घर में रखी थी। आ गया तू? हाँ माँ। ये क्या लेकर आया? अरे माँ, ये बहुत ही जरूरी सरकारी सामान है और इसे कल किसी भी हालत में महल ले जाना है। चल जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा। अरे नहीं 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 माँ, हम महल से खा कर आए। अच्छे, आप सोचिए आराम से सोचिए। आप तुर्रम भेष बदलने में बहुत माहिर है। जानते हैं, इस बात से वाकिफ है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल, एक बार फिर आपने हमारी। बीरबल, आपको तो हमारे महल में घुसने की मनाही थी, फिर आप हमारे कक्ष तक पहुंचे कैसे? जापना, जब आपके दुश्मन इस महल में आपके कक्ष तक पहुंच सकते हैं तो हम तो फिर भी आपके शुभचिंतक। निरंजन का असली मकसद महल में आके सुरंग बनाना था, ताकि उस सुरंग के जरिए तुर्रम खान आपके कक्ष तक पहुंचता, आपकी हत्या करता और बिना जंग के ही सल्तनत हासिल कर लेता। बलदेव, जा पना, ले जाओ इस धोखेबाज को हमारी आंखों के सामने से। चल, चलो। बीरबल, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें। अपना
अगर इस बार शायला बानो जी हमारा साथ नहीं देती तो शायद हम आपकी जान नहीं बचा पाते। ओहो हो, शायला बानो, शुक्रगुजार हैं हम आपके, इनाम की हकदार हैं। आप बताइए आपको क्या चाहिए। जापना, फिलहाल तो हमें कुछ नहीं चाहिए, पर जब कभी चाहिए होगा तो आपसे जरूर मांग लेंगे। जापना, आपने मना किया था, फिर भी आपके अनुमति के बगैर हम महल में आपके कक्ष में आए, माफी चाहेंगे। चलते हैं। बीरबल इस तरह हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा ना करें, माफी तो हमें मांग लीजिए। जापना आइए, हमारे गले लग जाइए। हुजूर, 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 निरंजन तो पकड़ा गया हुजूर, अब हम क्या करेंगे? सुरसुरी, वो हमारे बिसात का एक बहुत छोटा सा प्यादा था, जिसके मारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब जब हम बीरबल को मारेंगे तो अकबर को जरूर फर्क पड़ेगा। मेरे हुजूर।